हेलो स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सुमैया इंग्लिश प्राइमरी स्कूल, स्टैंडर्ड सेकेंड एंड सब्जेक्ट इंग्लिश। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न इंग्लिश लेसन नंबर 1.5, लैंग्वेज स्टडी, नेमिंग वर्ड्स। नेमिंग वर्ड मीन्स नाउन, यानी हमको नाउन, नेमिंग वर्ड्स मतलब ये ग्रामर है, आपको इसके बारे में, नाउन के बारे में बताएंगे। इस बाय नाउन यानी नाम, हर किसी का नाम, या हमारा नाम, या किसी एनिमल्स का नाम, बर्ड्स का नेम जो है उसको नाउन बोलते हैं। ठीक है, तो हम आज स्टडी करेंगे उस बारे में। व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है? तो हम अपना नाम बताते हैं ना, हमारा नाम सो एंड सो है, माय नेम इज़ सो एंड सो, जो भी है आपका नाम, आप गर्ल हो या बॉय हो, जो भी जिसका भी जो नाम रहेगा वो। आर यू अ बॉय या गर्ल, आप बॉय हो या गर्ल हो, आप क्या हो, लड़के हो या लड़की, तो आप अपने बोलोगे ना आई एम अ गर्ल, आई एम अ बॉय, तो गर्ल, गर्ल का भी एक नाम होता है, बॉय, बॉय का भी। हु ऑल आर देयर इन योर फैमिली, आपकी फैमिली में कौन कौन है? तो हम अपनी फैमिली के बारे में बताएंगे। हमारी फैमिली में हमारी मम्मी, डैडी, सिस्टर, ब्रदर, तो सबके लिए एक नाम है, सबका एक नाम है। अगर जैसे हम कोई ऐसा तो नहीं बोलेंगे कि मम्मी को लेडी बोलेंगे, बहन को गर्ल बोलेंगे, ऐसे नहीं। हमने उसको मम्मी बोला है, बहन को दीदी बोला है, या हम सिस्टर, भाई को ब्रदर। ओके, विच प्लेसेस डू यू लाइक टू विजिट, आपको कौन सी जगह जाना पसंद है, कौन कौन सी जगह जाना पसंद है? तो आई लाइक टू विजिट महाबलेश्वर, ऊटी, या मम्मी, कोई भी, आपको जो भी जगह पसंद है। तो ये जो महाबलेश्वर है, ऊटी है, ये सब जगह प्लेसेस के नेम हैं। विच इज़ योर फेवरेट एनिमल, आपको कौन सा एनिमल सबसे ज़्यादा पसंद है? आई समझो टाइगर पसंद है, तो टाइगर क्या है, नेम है। वॉट डू यू लाइक टू ईट, तुमको क्या खाना पसंद है बताओ आप लोगों को? चॉकलेट, आई लाइक टू ईट चॉकलेट्स, आइसक्रीम, तो जो चॉकलेट्स, आइसक्रीम, ये मैंगो, ऑरेंज, जो भी चीज़ है इसका ये नेम है। अंडरस्टूड? वॉट इज़ योर फेवरेट टॉय, क्या है फेवरेट टॉय तुम्हारा? कोई भी खिलौना आप बता सकते हो, तो जो टॉय का नेम होगा उसको नाउन बोलते हैं। डू यू राइट विद अ पेन और पेंसिल, डू यू राइट विथ योर पेन और पेंसिल, आप पेन से लिखते हो या पेंसिल से लिखते हो? तो योर पेन एंड पेंसिल जो है वो एक नेम है, एक चीज़ का नाम है। ओके, तो ऑल यू अंडरस्टैंड? ओके, लेट्स प्ले, हम अभी गेम खेलेंगे। लेट्स फ्रॉम फोर ग्रुप न्यू, नाउ पिक अप एनी वन ऑफ द कार्ड्स, राइट डाउन एज मैनी नेम एज यू कैन related to your card, you may discuss with your group members. When you finish, call bingo. The group with the maximum number of examples will win. तो आपको क्या करना है, एक कार्ड लेना है, कार्ड पे आपको नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग है, आपको ये सब चीज़ों के नाम याद करना है, कोई भी चीज़, और एक ग्रुप बनाना है आपका। ग्रुप बना के आप आपस में डिस्कस करके फास्ट फास्ट वो कार्ड पे, जैसे फर्स्ट है नेम, तो अमित आ गया, अमित है, और कौन सा नाम आता है अपना नाम बोलो, सुरेश है, और मम्मी का नाम लिखो, डैडी का नाम लिखो, ये हो गया नेम में। प्लेस पुणे, पुणे है, पुणे की जगह हम मुमरा लिखो, कौसा लिखो, थाने लिखो, मुंबई लिखो। ओके, एनिमल, एनिमल हमको बहुत सारे पता है, जैसे कैट है, कैट के बाद टाइगर है, टाइगर के बाद एलिफेंट है, एलिफेंट के बाद जो भी एनिमल्स है आप उनके नाम लिखोगे फास्ट, लेकिन ये सब चीज़ें आपको जल्दी से सोचना है और ये कार्ड पे आपको लिखना है। थिंग, थिंग यानी कोई भी चीज़ का नाम लिखना है, जैसे यहाँ बॉल लिखा है, बैट लिखो, ठीक है, बैट लिखने के बाद पेन लिखो, पेंसिल लिखो, ये सब चीज़ों के नाम हैं। ठीक है, तो जैसे ही आपका कंप्लीट होगा तो आपको क्या बोलना है, बिंगो, बिंगो यानी हमारा सबसे पहले कंप्लीट हो गया, बिंगो हो गया, फिर आप जो फर्स्ट बोलेगा वो क्या हो जाएगा, वो राउंड जीत जाएगा। तो ये गेम आपको अपने घर में खेलना है, जिससे आपको क्या होगा, थोड़ा नॉलेज बढ़ेगा, नाम लिखने का, नाम, नेमिंग वर्ड्स जो है, नेमिंग चीज़ें, वो आपको जल्दी जल्दी चीज़ें आ जाएगी। अंडरस्टूड? नेक्स्ट है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, अंडरलाइन द नेम्स ऑफ पीपल, प्लेसेस, थिंग, फ्रूट्स, एक्सेट्रा। हमको क्या करना है, ये जो पैराग्राफ है उसको हमको पढ़ना है, और इसमें जो जो नाम है उसको क्या करना है, अंडरलाइन करना है। जैसे टुडे इज राजूज बर्थडे, टुडे राजू का बर्थडे है, तो राजू जो है नाम है, तो नाम के नीचे हमको क्या करना है, राजू के नीचे अंडरलाइन करना है। ही इज़ गेटिंग रेडी फॉर द स्कूल,
वो क्या हो रहा है, रेडी हो रहा है किधर जाने के लिए, स्कूल। स्कूल भी एक जगह का नाम है, प्लेस का नाम है, तो स्कूल के नीचे हम अंडरलाइन करेंगे। हिज मदर गिव्स हिम ए मैंगो प्लांट, उसकी मम्मी ने उसको क्या दिया, जो मम्मी है उसका नेम है ये मदर, तो मदर के नीचे अंडरलाइन आएगा। गिव्स हिम ए मैंगो प्लांट, जो मैंगो है एक फ्रूट का नाम है इसलिए मैंगो के नीचे हम लोग अंडरलाइन करें। इन ए पॉट, पॉट भी एक चीज़ है, तो पॉट जो है पॉट के नीचे अंडरलाइन आएगा। ऑल हिज फ्रेंड्स विथ विश राजू इन द स्कूल, फिर राजू आया एंड स्कूल, सब ने उसको क्या किया, विश किया। फ्रेंड्स, फ्रेंड्स भी जो चीज़ों के नाम है, मतलब जैसे जो गर्ल्स हमारे बॉयज हमारे फ्रेंड्स हैं तो उनका नाम आ गया। दे सिंग हैप्पी बर्थडे विद देयर टीचर, जो टीचर है वो लोग ने क्या गाना गाया, गाना गाना गाया फ्रेंड्स ने किसके साथ, टीचर्स के साथ मिलके। तो टीचर है, टीचर एक लेडी है, वो किसी का नाम है जिसे टीचर के नीचे अंडरलाइन। द टीचर टेक देम टू द बैकयार्ड एंड प्लांट द मैंगो प्लांट देयर, टीचर ने कहाँ लेके गया था, टू द बैकयार्ड, एक जगह का नाम है बैकयार्ड यानी पीछे साइड पे, एंड प्लांट्स द मैंगो प्लांट, और वहाँ क्या प्लांट किया, मतलब खोद के वहाँ प्लांट करवाया क्या, मैंगो, तो मैंगो के नीचे। एवरीवन क्लैप फॉर हिम, और सब ने उसके लिए क्लैप किया। तो जो भी नेमिंग वर्ड है किसी भी चीज़ का नाम आएगा उसके नीचे आपको अंडरलाइन करना है। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? ओके, लव पीस स्टूडेंट्स, बाय।